सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। अच्छा, तो लास्ट जो चैप्टर था हमने उसमें किया था क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी इन द टर्म्स ऑफ एंट्रोपी। तो हमने कहा था डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ग्रेटर देन किसके लिए था? इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। इक्वल टू किसके लिए था? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, जब हमारा जो प्रोसेस है वो इक्विलिब्रियम को क्या कर जाता है, अप्रोच कर जाता है। ठीक है। अच्छा, आज हमें जो क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी निकालना है वो डेल्टा एच की टर्म में, डेल्टा एस की टर्म में, डेल्टा यू की टर्म में, डेल्टा जो है ए की टर्म में और डेल्टा जी, इन सब की टर्म में हमें क्या निकालना है? क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी निकालना है। मतलब इन सब की टर्म में हमें ये बताना है कि कब हमारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, कब इनकी वैल्यूज़ क्या होंगी, लेस देन होगी, ग्रेटर देन होगी जीरो से या फिर इक्वल टू होगी जीरो से, कब जो है हमारी जो रिएक्शंस क्या है क्या हो जाएंगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएंगी। ठीक है। तो अच्छा, पहले तो मैं आपको इनको याद करने का तरीका बता दूं कि आप सारे के सारे क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी को याद कैसे कर सकते हैं। एज़ यू ऑल नो, हमने लास्ट टाइम एक क्राइटेरिया ऑफ एक हमने जो है थर्मोडाइनेमिक स्क्वायर किया था ना, क्या था? सम हार्ड प्रॉब्लम गो थ्रू अ वेरी इजी, ई या यू दोनों ही इंटरनल, इजी सॉल्यूशन। ठीक है। तो इस थर्मोडाइनेमिक स्क्वायर का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं भाई, हम क्या है इन सब की क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी की वैल्यू याद कर सकते हैं। कैसे? याद रखिएगा, चाहे वो जी है, चाहे वो ए है, चाहे वो यू है, चाहे वो एच है, जी एच ए यू, डी जी डी एच डी ए डी यू, इन सभी के केस में जो वैल्यू रहती है वो रहती है लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, लेस देन इक्वल टू ज़ीरो और लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। इसका मतलब मान लीजिए मैं डी जी उठाकर चल रही हूँ, ठीक है, तो डी जी के केस में क्या है, लेस देन इक्वल टू ज़ीरो का मतलब क्या हो गया, लेस देन तो शो कर रहा है इरिवर्सिबल, मतलब हमारे केस में जो रिएक्शन है हमारी वो स्पॉन्टेनियस कब होगी, जब जो हमारा डेल जी है वो क्या है, लेस देन होगा ज़ीरो से। इक्वल टू किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई, रिवर्सिबल को। सिमिलरली डी एच अगर लेस देन इक्वल टू ज़ीरो होता है तो हमारा क्या है, रिएक्शंस क्या होती हैं, स्पॉन्टेनियस होती हैं। सेम अगर वर्क फंक्शन के केस में बात करें तो क्या है, अगर हमारा वर्क फंक्शन लेस देन होता है ज़ीरो से इरिवर्सिबल के केस में, तो हमारे जो प्रोसेस है वो ज़ीरो होता है, सॉरी हमारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। सेम डी यू के केस में है, लेकिन डी एस के केस में आपको याद रखना है कि ये जो वैल्यू है वो क्या आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये हमने पहले भी निकाली हुई है भाई। ठीक है। तो डी एस का अकेला ऐसा केस है जो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो जाता है, बाकी सबके केस में क्या है, वैल्यू लेस देन इक्वल टू जीरो रहती है। अच्छा, अब यहाँ पर हमें वेरिएबल कौन से लेने हैं वो हमें कैसे पता लगेगा, तो वो पता लगेगा इस थर्मोडाइनेमिक स्क्वायर से। अब जी देखो किसके बीच में है, पी और टी के बीच में, तो यहाँ पर जो वेरिएबल आएंगे वो आएंगे पी और टी। ठीक है। एच किस किस के बीच में है, एस और पी के बीच में, यहाँ वेरिएबल क्या आएंगे भाई, एस और पी आएंगे। ठीक है। ए किस किस के बीच में है, वी और टी के बीच में, तो ये एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर यहाँ क्या आएगा, वैल्यू आएगी। और आपका यू किसके बीच में है, एस और वी के बीच में, मतलब एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी और एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम क्या आएगी, जो है आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब एस के केस में हमें कैसे याद रखना है, एस किसके बाद आ रहा है, देखो एस के बाद यू है और एस के बाद क्या है, वी है, तो यहाँ पर एट कॉन्स्टेंट यू एट कॉन्स्टेंट वी। तो ये सारे के सारे क्या हैं, आपके क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी हैं। क्या है? क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। ठीक है, हो जाएगा। अच्छा, अब हमें इनकी डेरिवेशन करनी है, तो जस्ट वे था कि कैसे हम इनके वेरिएबल और कैसे इनके रिजल्ट्स को हम क्या कर सकते हैं, जो है निमोनिक टेक्निक से याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे करते हैं इसकी डेरिवेशन। तो देखिए, ये देखिए, हम ये टॉपिक कर रहे हैं स्पॉन्टेनिटी फिजिबिलिटी बताएगा किसी भी प्रोसेस की, ये चीज़ हमने कर ली थी, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होगा, इरिवर्सिबल के केस में ग्रेटर देन होगा, लेस देन के केस में इक्वल टू जीरो होगा। दोनों रिजल्ट को कंबाइन किया, क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ गया। ठीक है। आगे देखिए क्या है, हमें अच्छे से पता है कि डी एस क्या होता है भाई, चेंज इन हीट डिवाइड बाय में टेम्परेचर। ठीक है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, डी क्यू क्या होता है भाई, डी यू प्लस पी डी वी, ये हमने बहुत बार रिजल्ट किया हुआ है, उठाइए वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, कर दी, टी डी एस को इधर ले आइए। ठीक है, ये बन गया आपका टी डी एस इक्वल टू में डी यू प्लस पी डी वी। ठीक है। लेकिन अगर हमें क्या करना है, अगर हमें यहाँ पर किसके केस में निकालनी है, रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, ये जो हमारी इक्वेशन है
वो इक्वल टू रहती है, लेकिन इरिवर्सिबल के केस में यहाँ पर ये जो टी डी एस है वो ग्रेटर देन हो जाता है किससे भाई, डी यू प्लस पी डी वी से, किससे ग्रेटर हो जाता है भाई, डी यू प्लस टी डी वी से, ठीक है। तो बस अब हमें ये वाली इक्वेशन यूज़ करनी है, टी डी एस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। ग्रेटर देन कब होगा, जब प्रोसेस इरिवर्सिबल होगा, इक्वल टू कब होगा, जब प्रोसेस हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल हो जाएगा, ठीक है। तो पहले एंट्रोपी की टर्म में निकालते हैं, एंट्रोपी की टर्म में अभी क्या बताया था, कौन कौन से वेरिएबल कांस्टेंट थे, यू और वी हमारे कांस्टेंट थे, कौन कौन से कांस्टेंट थे भाई, देखिए अभी हमने किया था ना, ये देखो एंट्रोपी की टर्म में यू एंड वी, तो इस इक्वेशन में आप यू और वी को कांस्टेंट रख दीजिए, रख दिया, क्या हो गया इसके अंदर, जैसे ही आप यू और वी को कांस्टेंट रखेंगे तो टी डी एस एट कांस्टेंट यू एट कांस्टेंट वी क्या आ गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो, तो क्या बच गया इधर जीरो, तो यहाँ से आप टी को उधर ले जाइए, टी जीरो हो जाएगा, तो डी एस की वैल्यू क्या आ गई भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ गई यहाँ पर, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड देखिए आप, सेकेंड है हमें क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी निकालना है इंटरनल एनर्जी चेंज की टर्म में, ठीक है। अभी बताया था इंटरनल एनर्जी ये रही, क्या कांस्टेंट रखना है, एंट्रोपी और वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, तो रख दीजिए एंट्रोपी को जीरो कर दीजिए, वॉल्यूम को जीरो कर दीजिए, ठीक है। वॉल्यूम जीरो कब होगा, तो क्या हो जाएगा, जैसे ही आप एंट्रोपी और वी को यहाँ जीरो रखेंगे, किस इक्वेशन में, दिस इक्वेशन में रखिए, एंट्रोपी जीरो, ये जीरो हो गया, यू जीरो, यू यहाँ तो जीरो बन गया, बन गया। अब डी यू जीरो, तो क्या आ गया, पी डी वी यहाँ पर क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, कुछ ऐसी इक्वेशन बन गई है, जीरो ग्रेटर देन पी डेल टी वी, ठीक है। सॉरी, यू को नहीं जीरो रखना, वी को जीरो रखा था, तो यहाँ ये इक्वेशन क्या बन गई हमारी, ऐसे कुछ बन गई है, जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू में डी यू, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ मैं, डी यू लेस देन इक्वल टू में जीरो, मतलब जीरो क्या है, डी यू से क्या है यहाँ पर, बड़ा है, तो यहाँ पर ये हमारा क्या आ गया, किसकी टर्म में, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी आ गया, डी यू की टर्म में, ठीक है। नेक्स्ट एंथैल्पी चेंज की टर्म में भी निकाल सकते हैं, अब एंथैल्पी क्या होती है, टोटल हीट कॉन्टेंट, जो किसकी इक्वल होती है, यू प्लस पी वी के, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, यहाँ पर इक्वेशन क्या है, एच इज इक्वल टू में यू प्लस में पी वी, डिफ्रेंशिएट जैसे ही करेंगे, डी एच किसके इक्वल होगा, डी यू, एक बार P के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट, एक बार V के, तो P कांस्टेंट dV और एक बार V कांस्टेंट dP, तो यही यहाँ पर किया हुआ है, ये देखिए, ठीक है। आप क्या कीजिए, यहाँ पर VdP को इधर ले आइए, तो dU प्लस PdV ये बन गया, ठीक है। अभी हमने इक्वेशन करी है बेस स्पॉन्टेनिटी की, TdS ग्रेटर देन इक्वल टू में dU प्लस PdV, अच्छा ये dU प्लस PdV किसकी जगह, किसकी इक्वल है, इसकी इक्वल है, तो इसकी जगह ये पुट कर दूँ, कर दिया, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर हमें अच्छे से पता है कि डी एच की टर्म में जो कांस्टेंट रहते हैं वो एस और पी रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एस और पी को क्या रख दीजिए, कांस्टेंट रख दीजिए, रख दीजिए। जैसे आप यहाँ एस को कांस्टेंट रखेंगे और पी को, ये जीरो हो जाएगी टर्म, ये जीरो, तो क्या आ गया, डी एच ऐसे बन जाएगा कुछ, डी एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू में ये, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख दो, डी एच इज लेस देन में जीरो, सेम बात है, जीरो बड़ा है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो ये हमारा आ गया क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। क्या कांस्टेंट लेकर चले थे, एस और पी, तो नीचे कांस्टेंट क्या आ जाएगा, एस और पी आ जाएंगे, ठीक है। सेम वर्क फंक्शन के केस में सेम एज इट इज आप निकाल सकते हैं, देखिए ए यू माइनस टी एस होता है, डी ए ये बन गया, ये सेम चीज कर रखी है, तो सेम आप यहाँ पर क्या है, डी ए की टर्म में भी निकाल सकते हैं, सेम आप फ्री एनर्जी की टर्म में भी क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी निकाल सकते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, जी क्या होता है, एच माइनस का टी एस, एच क्या होता है, यू प्लस में पी वी, पुट कर दीजिए यहाँ पर एच की वैल्यू, ये इक्वेशन बन गई अब आपकी। अब आपको आगे क्या करना है, आगे देखिए, अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए उस प्रीवियस इक्वेशन को, तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस का टी डी एस माइनस का एस जी टी, ठीक है। तो अब यहाँ पर डी यू प्लस पी डी वी की वैल्यू निकाल लीजिए, ये वैल्यू आ गई डी यू प्लस पी डी वी की, ठीक है। अब वही क्राइटेरिया स्पॉन्टेनिटी जो पीछे यूज़ किया था हमने, टी डी एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, यही था, डी यू प्लस पी डी वी की जगह अब ये वैल्यू थी, तो हमने ये पुट कर दी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये वाली, ये टी डी एस से टी डी एस कट गया, देखो क्या बच गया, जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू डी जी माइनस वी डी पी प्लस एस जी टी, ये इक्वेशन आ गई अब आपकी। अब जी की टर्म में अभी मैंने आपको क्या बताया था, प्रेशर कांस्टेंट और टेम्परेचर कांस्टेंट, तो इसी इक्वेशन में आप प्रेशर को कांस्टेंट रखिए, टेम्परेचर को, ये जीरो क्या बच गया, डी जी लेस देन इक्वल टू में जीरो बच गया, तो ये क्या आ गया, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी आ गया। इसका मतलब जब जब डी जी हमारा लेस देन इक्वल होगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, मतलब स्टेबिलिटी को अचीव नहीं करेगी,
और अगर ये इक्वल टू जीरो हो जाता है तो हमारी रिएक्शन क्या कर जाएगी, इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होगी, प्रेजेंट होगी। ठीक है, अच्छा अभी जितने भी हमने क्राइटेरिया स्पॉन्टेनिटी करे इनकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, ऑल्दो ये हमें क्या बताते हैं कि कोई प्रोसेस कंटिन्यूड होगा या नहीं होगा ये बताते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशन भी है। ये रेट नहीं बता सकते हमें, ये नहीं बता सकते कि कोई रिएक्शन जो स्पॉन्टेनियस है वो किस रेट से होगी। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करेगी, सेकंड को फॉलो करेगी, इसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है हमें क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी से नहीं मिलती है। ठीक है, किस एक्सटेंट तक होगी हमारी रिएक्शन वो भी ये जो है हम जो है क्राइटेरिया स्पॉन्टेनिटी के बेस पर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ऑल्सो कौन सा मैकेनिज्म को फॉलो करके हमारी रिएक्शन होगी ये भी क्या है प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता यूजिंग क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। ठीक है, एडवांटेज ऑफ फ्री एनर्जी चेंज क्राइटेरिया अपॉन एंट्रोपी चेंज। अच्छा, एक हमने जो है क्राइटेरिया स्पॉन्टेनिटी निकाला है किसकी टर्म में, जी की टर्म में, और एक हमने वही क्राइटेरिया स्पॉन्टेनिटी निकाला एस की टर्म में। लेकिन जो मोर जो है रेलेबल जो आज के टाइम में हम यूज़ कर रहे हैं वो डेल जी की टर्म में हम क्राइटेरिया स्पॉन्टेनिटी की बात करते हैं रेदर देन डेल एस। ऐसा क्यों? क्योंकि ये भी आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जी है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रेशर और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, और ये दोनों ही फैक्टर क्या है लैब में इजिली कंट्रोलेबल हैं। ठीक है, बट जो डेल्टा एस होता है इसको हम इजिली से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं जो है नॉर्मल रिएक्शन में, नॉर्मल जो है हमारे एक्सपेरिमेंट जो हम क्या है जनरली जो है इन सीटू कैरी आउट करवाते हैं। इसीलिए क्या है जो है डेल जी क्या है मोर कन्वीनियंट वे है क्या कैलकुलेट करने का, क्राइटेरिया स्पॉन्टेनिटी को कैलकुलेट करने का रेदर देन डेल एस। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा क्राइटेरिया स्पॉन्टेनिटी फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैक्सवेल रिलेशनशिप जो क्या है इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, थैंक यू।